हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेड लेबल 5 को। मैंने पिछले वीडियो में रेड लेबल की पूरी थ्योरी, रेड लेबल 0 और रेड लेबल 1 पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप इन तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए, तब ये वीडियो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ओके, तो आई जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पहली कमांड थी LSBLK। इस कमांड से शो हो जाता है कि इसमें कितनी हार्ड डिस्क अटैच है। तो अभी हमारा काम है SSD B पर, SSD C और SSD D। ये अभी 4 4 GB की हैं। जो रेड लेबल 5 होता है, इसमें कम से कम 3 सेम साइज़ की हार्ड डिस्क होनी चाहिए। डेटा इसमें पायटी के फॉर्म में सेव होगा। एक अगर हार्ड डिस्क फेल होती, मतलब कि जो हमारी 3 हार्ड डिस्क हैं उसमें अगर एक भी हार्ड डिस्क फेल होगी, इट मीन कि दो हमारी वर्किंग में होंगी, तब भी डेटा हमारा सिक्योर होगा। तो मैं इसी चीज़ को आज इस प्रैक्टिकल को वीडियो में करता हूँ। तो सबसे पहले हमें पार्टीशन बनाने होंगे। सबसे पहले तो देव SDB टॉगल आईडी, इससे ये सिंपल पार्टीशन से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए पी कमांड से, और ये देखिए रेड में ये आपका चेंज हो जाएगा। W सेम ऐसे ही मैंने किया रखकर देव SDC में, सिंपल N टॉगल आईडी और FD W सेम काम SDD में भी। टॉगल आईडी और FD, टॉगल आईडी एंड FD W, और आखिरी में कमांड पार्ट प्रोप, ताकि कर्नल को भी इन्फॉर्मेशन हो जाए कि हमने क्या क्या चेंजमेंट किए। जब ये 3 पार्टीशन हो गए तो कमांड होगी MDADM कैपिटल C और देव अगर साटा होती है तो SDA, पाटा होती है तो HDA, और अगर रेड है तो MD, और ये पहली है तो ये MD0। ठीक है, हाइफन एल कौन सा ये रेड का लेबल है? हमने कहा जी 5 नंबर है। नंबर मतलब कितनी हार्ड डिस्क अटैच है? हमने कहा जी 3 है। कौन कौन सी अटैच है? हमने कहा जी देव के अंदर SDB 1 अटैच है, देव के अंदर SDC 1 अटैच है, देव के अंदर SDD 1 अटैच है। ओके जी, ये हमारा अटैच हो गया। आप चाहे तो परमानेंट माउंटिंग भी कर सकते हैं। मैंने उस चीज़ को रेड लेबल 0 में किया था। अभी के लिए MKDIR मैंने कहा जी मेरा ये एक डेटा है, डेटा 1 नाम से। ठीक है, ये माउंट हो जाए। कैसे माउंट होगा? देव के अंदर जो MD0 है, इसे आप माउंट करिए डेटा 1 से। ठीक है, DEV होगा। ओके, पहले मुझे इसे फॉर्मेट भी करना था, तो मैंने कहा जी MKFS. मैं इसे Extended 3 से फॉर्मेट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे 2 से या फिर 4 से भी कर सकते हैं। कौन है ये? देव के अंदर MD0 को। ठीक है जी, जब ये फॉर्मेट हो जाएगा तो ये बहुत आसानी से माउंट भी हो जाएगा, और अगर ये माउंट होगा तो आप डेटा भी इसमें बहुत आराम से रख पाएंगे। देखिए LS से लॉस प्लस फाउंड आपका शो होगा, मतलब कि इसमें ये आपका अटैच है। मैंने कहा जी MKDIR एक 1 1 है, एक 2 2 नाम, एक 3 3 नाम के, ये मेरा डेटा है। ओके जी, काम हमारा बहुत अच्छे से हो रहा है। अब एक हार्ड डिस्क को हमें फेल करना होगा। उससे पहले आई दो शो यू द डिटेल, ये वाली कमांड होती है डिटेल्स की। इससे शो हो जाएगा कि कितनी हार्ड डिस्क आपकी अटैच है। तो MDADM हाइफन हाइफन डिटेल, और किसकी? देव के अंदर MD0। ठीक है जी, देखिए 3 हार्ड डिस्क अटैच हैं, BCD। अब मैं एक को फेल करूँगा, तो फेल करने की कमांड थी हमारी MDADM देव MD0 में से फेल कीजिए। अब जाए आप किस अब यू कैन फेल एनीवन। तो अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए देव SDC1 को मैं फेल करता हूँ।
ओके, ये फेल हो गई होगी तो डिटेल में ये शो होना शुरू हो जाएगी कि SDD SDC आपकी फॉल्टी हो चुकी है। डेटा क्या अभी भी आपका सिक्योर है कि नहीं है? हमने कहा ये डेटा वन में जब हम आएंगे, देखिए डेटा आपका सिक्योर है, मतलब तीन हार्ड डिस्क थी, एक हार्ड डिस्क फेल हो गई, तब भी आपका काम होगा। अब हम इस हार्ड डिस्क को हटाएंगे और एक हम न्यू हार्ड डिस्क को जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक हार्ड डिस्क पहले से ही अटैच की हुई है, जो कि ये रही SD, ये रही 5 नाम से थी हमारी, ठीक है जी। तो पहले मुझे इसको रिमूव करना होगा, तो रिमूव करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है AMD ADM, और देव MD0 में से -R को, और किसको आपको हटाना है, हमने कहा जी देव SDC1 को आप हटा दीजिए। अगर ये हट गया हो तो देख लीजिए, सामने प्रूफ है आपके ये हट गया, ठीक है जी, रिमूव्ड है। अब अगर रिमूव्ड है तो फिर आपको एक अपनी न्यू हार्ड डिस्क आपको अटैच करनी होगी, जो कि हमारी है SDE। तो पहले हमें उसमें पार्टीशन बनाना होगा, सेम कमांड होगी एफ डिस्क देव के अंदर SDE, ओके, प्रेस एन यानी न्यू पार्टीशन, टॉगल ID FD, इतना काम हो गया, W एंड पार्ट प्रो। इसे फॉर्मेट करना होगा क्योंकि पहले हमने एक्सटेंडेड 3 से ही फॉर्मेट किया था, तो इसे भी हम एक्सटेंडेड 3 से ही फॉर्मेट करेंगे, mkfs.ext3, और देव के अंदर SDE1 को आप फॉर्मेट करिए। जब ये फॉर्मेट हो गया SDE, तब अब इसको हमें अटैच करना होगा, तो कमांड होती है MDADA, किस में ऐड कर करना है, हमने कहा जी देव के अंदर जो MD0 है इसमें ऐड करिए, किसको करिए, हमने कहा जी देव के अंदर जो SDE1 है उसको। अटैच हो गया वो, तो सीधा प्रूफ देखिए सामने आ गया SD1। ओके, तो इस वीडियो में हमने उन्होंने पढ़ा कि रेड लेबल 5 क्या होता है, कैसे उस पर काम होता है, अगर कोई हार्ड डिस्क फेल हो जाए तो वो कैसे आपका हटाते हैं, कैसे हार्ड डिस्क न्यू अटैच होते हैं। अब जैसे ये आपका रेड लेबल 5 हुआ, सेम आपका रेड लेबल 6 भी ऐसा ही होगा। तो आई होप कि ये रेड लेबल आपको बहुत अच्छे से मैं आपको अंडरस्टैंड करवा पाया होगा। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस लेकिन आपको अपनी ओर से करनी होगी। एट लास्ट ये मेरा यूट्यूब चैनल है बी एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजीज, आपको बस अपने यूट्यूब पे आना है, जस्ट सर्च इट एंड प्रेस सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, इससे मैं जैसे ही किसी वीडियो को अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास में आएगी। मैंने इसमें लिनक्स के अलावा CCNA, CCNP, एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेसिक से एडवांस वीडियो अपलोड किया हुआ, जो कि आपके करियर के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।